अब बात करते हैं कि स्कोलियोसिस के लक्षण क्या होते हैं। तो यूजुअली जो लक्षण है वो डिफॉर्मिटी ही होता है, मतलब टेढ़ा, शरीर का टेढ़ापन। कई बार अगर जो हमारे स्पाइन का ऊपरी हिस्सा अगर इन्वॉल्व है तो पेशेंट हमारे पास आता है कि मेरी गर्दन टेढ़ी है, जो उसका जो गर्दन है वो एक साइड में डेविएटेड होती है। इसके अलावा अगर थोरेसिक स्पाइन इन्वॉल्व है तो कई बार जो हमारा शोल्डर है वो इम्बैलेंस होता है, एक शोल्डर एज कम्पेयर टू अपोजिट ऊपर या नीचे आपको मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। इसके अलावा कई बार विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है, मतलब आपका जो स्कैपुला है, आपका जो एक साइड का शोल्डर गर्डल है वो थोड़ा सा कमर पे पीछे की तरफ एक साइड में डेविएटेड रहता है। कई बार अगर पेशेंट नहाते समय अपनी जो छाती की डिफॉर्मिटी अप्रिशिएट करता है और उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट करता है। कई बार चलते चलते हमें उस पेशेंट को या उसके पेरेंट्स नोट करते हैं कि उसका जो पूरा ट्रंक है वो एक साइड में हो गया है, या उसका जो पेल्विस है, जो उसका पेल्विस वाला रीजन है वो एक साइड का ऊपर है, अपोजिट साइड का नीचे है। तो ये डिफॉर्मिटी के साथ यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। कई बार जो डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस के पेशेंट हैं, जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, वो डिफॉर्मिटी के बजाय कमर में दर्द या कमर से लेके पैरों में दर्द की वजह से भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस है।